that happened, there was too much of chaos at that point of time. I remember मैं चंडीगढ़ के आसपास कहीं शूट नहीं पंजाब में शूट कर रहा था और वहाँ से हमें सडनली बोला गया कि कुछ हुआ है और आपको निकलना पड़ेगा. सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए एक एज अ फिल्म मेकर आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. हाई यू आर वॉचिंग HD's OTT Play. आई एम निराली इन कॉन्वर्सेशन विद द टीम ऑफ रणनीति बालाकोट एट बियॉन्ड. वेलकम जिमी, वेलकम संतोष टू HD's OTT Play. फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू 2019, यू नो वेन द न्यूज़ फ्लैश्ड ऑन द चैनल्स दैट यू नो Pulwama's incident happened. Our CRPF jawans were martyred in that incident. What was your headspace at that moment? You know, when that happened, there was too much of chaos at that point of time. I remember मैं चंडीगढ़ के आसपास कहीं शूट नहीं पंजाब में शूट कर रहा था और वहाँ से हमें suddenly बोला गया कि कुछ हुआ है और आपको निकलना पड़ेगा. And we were on location and suddenly we had to wrap up. और वहाँ से हमारी कुछ 4-5 घंटे की ड्राइव थी चंडीगढ़ के लिए, तो हमें वहाँ पहुँचना था इंटीरियर से. वहाँ पहुँच के फ्लाइट नहीं मिल रही थी, तो फ्लाइट जो है डायरेक्ट बॉम्बे की नहीं मिल रही थी, तो आई हैड टू टेक अ फ्लाइट टू दिल्ली एंड देन टेक अ कनेक्टिंग फ्लाइट टू दिस थिंग बिकॉज दैट एरिया इन द नॉर्थ बिकम्स अ लिटल वॉलेटाइल सेंसिटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इमीजिएटली बिकॉज उन्होंने कहा सब बंद होने वाला है, एवरी दो एयरपोर्ट्स आर गोना शट डाउन एवरीथिंग बाय 7 o'clock और व्हाटएवर. तो इमीडिएटली एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग एंड पहुँचे एंड बीची में सब न्यूज़ जो कुछ भी मिल रही थी आ रही थी. एंड बाय द टाइम यू गॉट होम इज व्हेन यू रियलाइज दैट ओ माय गॉड दिस इज सीरियस स्टफ एंड द होल नेशन वाज ग्लued ऑन टू दिस एंटायर थिंग एंड दैट्स इट. बट वी गॉट टू नो व्हाटएवर वी गॉट टू नो थ्रू द न्यूज़. आई मीन जितना आपको पता होगा शायद उतना ही उस वक्त पे हमें पता था. इट्स ओनली आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट इज व्हेन वी गॉट टू नो अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड हाउ दे हैपेंड. वो आपने पहले 3 एपिसोड्स में वो बिल्डअप में ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से धीरे धीरे करके चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, क्या क्या होता है, कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है. सो या And what was your, you know, the initial reaction when you heard that news? I mean, याद है मुझे Valentine's Day था 14 फरवरी और प्यार मोहब्बत का दिन है. पूरी दुनिया like you know प्यार मोहब्बत में का जश्न मना रही थी and suddenly like you know this news channel starts flashing this news जहाँ पे कि इतना बड़ा हादसा हो गया and it was such a sad day. You know, and when we started working on the series, we went to the actual site. We spoke to lot of people to figure out like you know. तो मतलब इतनी जल्दी सब कुछ हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं चला. And I remember when we were shooting this sequence, when we were trying to recreate this sequence, we shot in Kashmir and Bombay. इतना जो माहौल था सेट पे लाइक यू नो जब हमने ब्लास्ट शूट किया उसके बाद जो मतलब दोज बॉडीज वर फेक व्हेन वी वर शूटिंग बट लाइक यू नो आप देखते हो कि किस तरह से उस हादसे का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा था कि लाइक यू नो देयर वाज अ सडन सॉम्बर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सेट. लाइक आपको चीखना पड़ता है कि चुप हो जाओ लाइक यू नो उस दिन लाइक इट वॉज जस्ट लाइक अपने आप एक शांति वाला माहौल हो गया था. तो आई थिंक पीपल who have heard this, who have known this, like, you know, everyone in the country or my film crew, they all were like, you know, ki you can feel the pain and the grief that people have gone through, our soldiers have gone through and their families have gone through. True. Yeah. Yeah, but Jimmy, when the script of Ranniti was narrated to you, also the fact that, you know, Ranniti not just taps into the Balakot incident, but also beyond the behind the scenes of that. What was the one surprising or maybe say a shocking revelation for you regarding the BTS of the entire incident? Everything that happened behind the scenes, it's not one thing. It is so many things. And in this series of events, which starts from pre-Pulwama and then Pulwama happens and then it goes on all the way till Balakot and then beyond that, all that conspired, transpired or happened, all the decisions that were taken and everything is clearly shown in this. You know, certain things are classified, certain things are
top secret as far as the government is concerned. But then you can only touch it to an X amount of level. Sure. But that X amount of level is also good enough for you. That is why I say that when you watch this, you understand that you don't know anything about it. You only know the dates. Yeah. You'll probably only know the dates that this happened and then this happened. What happened in the middle is the main story. But Santosh, as a maker, you know, when you deal with a sensitive subject as Ranneeti, what were the challenges that you faced, you know, during the research process, during the making of the entire show? I mean, like, you know, the biggest challenge was to get it right. When you say it's inspired by real events or true events, based on true events, so as a maker, aapki zimmedari bahut zyada badh jati hai isko leke ki aap कि गलती का स्कोप बहुत कम हो जाता है. तो आपको और पूरी टीम की ये कोशिश होती कि आप जो भी करें या जो भी आपका रिसर्च मटेरियल हो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिसर्च टू द राइटिंग टू एग्जीक्यूटिंग इट टू द एक्टिंग, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि आप कहीं गलत ना जाएं. तो एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है थ्रू आउट, विच इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज जब आप शूट कर रहे तो कोई ऑर्डर नहीं होता आपके पास. तो आपने इस सेट पे पूरा शूट कर लिया, फिर आप कहीं जाके शूट करते हो, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द होल टीम, नॉट जस्ट मी, फॉर एवरीबडी, फॉर द डीओपी, फॉर द एक्टर्स, यू नो, फॉर द होल टेक्निकल क्रू टू मेंटेन दैट. लाइक, यू नो, इट्स अ वेरी थिन लाइन, लाइक, यू नो, वी आर ऑल वॉकिंग ऑन, बट मज़ा उसी का है. लाइक, यू नो, व्हेन यू सी इट एंड फाइनली इट्स ऑल पुट टुगेदर, जब आप उसको देखते हो तो लगता है कि चलो ठीक है, सबकी मेहनत जो है ना वो सफल रही. इसको हमने जिस तरह से सोचा था या जिस तरह से जो हमारा इंटेंशन था उस पर कई हद तक वो खरी उतरी है. राइट राइट. बट विच, यू नो, यू प्ले अ कैरेक्टर विच इज़ वेरी क्रूशियल इन द सीरीज, विच वॉज द वन पर्टिकुलर सीन दैट, यू नो, काइंड ऑफ टुक अ इमोशनल एज वेल एज अ फिजिकल टोल ऑन यू? देयर वर मेनी मोमेंट्स. There were many moments in the war room, but different kinds of emotion came. Yeah. There are other sequences which only when you watch it you will understand that an agent can understand what another agent across the border is at that point of time going through. As his job right now is to try and get him back, and he feels that. He's done it, and suddenly he feels that, oh my God, we lost it. So that kind of emotion, which only an agent can understand what another agent at that point of time is going through. I think like that, and then the rest are universal emotions, which have got directly to do with the events that happened, and which other people are aware of. But then there are so many events which. When you watch it, you will understand that, you know, how emotional or dramatic they are. Yeah, but also Ranneeti is coming on a medium that has evolved ever since it has started, talking about the OTT space. There are a lot of web shows made, there are a lot of OTT films made. Do you feel there's a need of certain amount of censorship on the content that is being made for OTT? नहीं, सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए. एज अ फिल्म मेकर आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. आई डोंट थिंक सो, यू नो, कि किसी पे बैन लगाना चाहिए, किसी चीज़ को रोकना चाहिए. बट एज अ मेकर आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. एज अ एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते. बट आई डोंट थिंक सो सेंसरशिप इज द करेक्ट वर्ड फॉर दैट. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस सब्जेक्ट, द सेंसरशिप दैट इज नीडेड फॉर द कंटेंट दैट इज बीइंग मेड ऑन ओटीटी? नो, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टफ लाइक रणनीति, आई थिंक इट इज इट्स ऑलवेज बीन दैट व्हेन स्टोरीज लाइक दिस व्हिच आर बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स आर रिटन एंड आर गोइंग टू बी मेड, इट हैज टू बी सेंड टू द एमओडी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गोज थ्रू इट. देयर आर पीपल हु रिव्यू इट एंड दे पास इट. इफ दे डोंट पास इट देन सो इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज सेंसर फॉर दिस थिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफेंस सर्विसेज एंड एट द सेम टाइम आफ्टर यू हैव कम्प्लीटेड इट यू हैव टू शो इट अगेन एंड आई थिंक वी केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. लाइक द रिस्पॉन्स फ्रॉम देम वॉज अमेजिंग, इज लाइक दे प्रॉब्ली नेवर सीन समथिंग लाइक दिस.
and that is something that people will that also get to. That is the biggest this thing that we have. And that was the first actually like the audience reaction we got, like you know, when we I remember going to Delhi and showing it to them. There were some 10-15 people from the Air Force, from the Defense Ministry, from the Armed Forces, and every department was there. They started, and you know, it's a series, it's a long this thing. Humne kuch nau episode banaya, so you can't just sit and watch the whole 9 episode, like you know, when you're working. True. But when they started watching it, I kid you not, they sat till 6 p.m. And they finished the whole show. Yeah. Like, you know, and then after that, they sat with us for 2 hours discussing, like, you know, how we managed to do this. That's fabulous. So that was the first reaction, and like, you know, from the people actually who are there behind the scene working, like, you know, it was amazing. And like, there's nothing more satisfactory than absolutely. That as absolutely. Makers and artists for you. But also, Jimmy, one last question for you. Out of all the films that you have done so far, which is the one project that you wish had it released today on in theaters or you know on OTT could have got its due justice today? You know, back then it probably didn't get the response that you wish it had. Hmm. Yeah, I always say this, that if my bua had mustaches, she would have been my chacha. So, rona and sab cheezon ke bare mein. क्या नहीं क्या वक्त आए कोई बहुत अच्छी पिक्चर आई बाढ़ आ गई तो उसका जो सोचा हुआ था बॉक्स ऑफिस उससे कम हुआ बट ये सब ये लाइफ है ये होता रहता है कुछ आएगा कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा दैट्स इट क्या रोना है बट नेवरदलेस थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग एंड आई विश यू बोथ ऑल द लक एंड ऑल द गुड विशेस फॉर रणनीति दैट रिलीज़ ऑन 25th थैंक यू सो मच